हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताती हूँ कि घिया कोफ्ते की सब्ज़ी किस प्रकार बनती है। देखो, ये मैंने घिया ले लिया है और इसको मैं क्या करूँगी, इसको पहले छील लूँगी। मैं छील लूँगी इस तरीके से, और छील कर फिर इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने कद्दू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें क्या करूंगी, मैं बेसन डालूंगी। ये देखो, 1 स्पून, 2 स्पून और बड़ा वाला 3 स्पून। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने 3 स्पून बेसन डाला है और इसमें हम मसाले डालेंगे स्वाद अनुसार। हींग भी स्वाद अनुसार, वैसे मैं ज़्यादा हींग डालती हूँ सब्जियों में क्योंकि मुझे हींग बहुत अच्छी लगती है सब्जियों में, और लाल मिर्च क्योंकि अभी ये सब्जी में भी डलेगा, इसलिए इस हिसाब से डालते हैं कि सब्जी के हिसाब से मसाले तेज नहीं हो जाए। अब मैं इसको देखो इस तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि जो हमारा घिया होता है वो ऑलरेडी पानी से भरा हुआ होता है, वो अपने आप ही पानी छोड़ देता है। और इस तरीके से सारा मिक्स हो गया। अगर आपको ऐसे करने पर लग रहा है कि अभी बेसन कम है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और मिक्स कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से इसका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, अब मेरा बेसन इसमें बिल्कुल सही है। तो मैं इसके देखो, ये मैंने अपना मेरा घी गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें हाथ से ही देखो पकौड़ियाँ छोड़ दूँगी, जिसको हम कोफ्ता बोल रहे हैं। देखो इस तरीके से घी मेरा गर्म हो गया, इस तरीके से मैं इसमें छोड़ दूंगी। देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारी पकौड़ी तल के तैयार हो गई है, बिल्कुल लाल हो गया है क्योंकि इनको अच्छे से सिकाई करनी होती है, जो अंदर तक इनकी सिकाई हो जाए। ये देखो, अब 2-3 दिन करके ऐसे निकालती रहूँगी। देखो फ्रेंड्स, ये मेरी पकौड़ियाँ सारी उतर चुकी हैं। ये देखो, अब मैंने इसमें कढ़ाई में गरम कर लिया है, इसमें घी डाल रही हूँ। ये देखो मैंने घी डाल दिया है, ऐसा कि मैं सारी सब्जियाँ देसी घी में ही बनाती हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जीरा डाल दूँगी। तो देखो, मैंने जीरा डाल दिया थोड़ा सा, और इसमें मैं हींग डालूँगी। मैंने उसमें भी डाली थी हींग टेस्ट के लिए, इसमें भी हींग डाल रही हूँ। अब मैं बताया था कि मुझे हींग का बहुत बराग सा भी है कुछ। और ये देखो, ये मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने टमाटर इसमें ग्राइंड करके डाल दिया। मैं इसे को अच्छे से भून लूँगी जब तक हमारा टमाटर घी नहीं छोड़ दे। टमाटर भूनने के साथ मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, ये देखो हल्दी पाउडर, और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ जिससे कि टमाटर बहुत अच्छे से भून जाएगा। ये देखो, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो क्योंकि पकौड़ियों में भी नमक है, इसलिए ध्यान से ही डालना। अब इसको मैं ढाँटी डालूँगी, अगर ये हमारा टमाटर है जो बिल्कुल घी छोड़ देगा। देखो, ये मेरा टमाटर भून गया है, घी चारों साइड इसमें छोड़ दिया। मैं इसमें क्या करूँगी, 1 बड़ा स्पून दही डाल लूँगी। ये देखो, इसमें मैंने 1 बड़ा स्पून, 2 स्पून और ये जो रेशा का रहता है दही का, ये डाल लूँगी। इसमें जब तक अच्छे से नहीं मिक्स होगा, भून नहीं जाए अच्छे से टमाटर के साथ, तब तक इसको ऐसे मिक्स करती रहूँगी। देखो फ्रेंड्स, हमारा ये दही भी इसमें भून गया। देखो, बिल्कुल अलग से घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हम पहले इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे 1 स्पून, और इसमें हम सूखी मिर्ची खटाई डालेंगे 1/2 स्पून, और इसमें 1 स्पून हम डालेंगे, 2 टी स्पून है मेरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, और नमक मैंने इसमें पहले डाल दिया था, गरम मसाला, और ये धनिया की पत्तियाँ मैं डालूँगी इसमें बाद में। धनिया की पत्तियाँ मैं इसमें क्या करूँगी, इसको अच्छे से मसाले को भून लूँगी। मसाला
मसाला भुन गया। मैं इसमें क्या करूँगी, पानी डाल दूँगी। ये मैंने बेसन का ही पानी डाल दिया दूसरी कटोरी को। क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा लेके रखना होता है, क्योंकि इसमें जो पकौड़ियाँ हैं वो पानी लेती हैं हमारी, जब हम पकौड़ी डालेंगे। अब इसमें जब एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल दूँगी। देखो ये हमारे पानी में जो हमने बनाया था वो उबाल आ गया। मैं इसमें क्या करूँगी, ये पकौड़ियाँ देखो सारे एक साथ इसमें डाल दूँगी और इसको चला दूँगी। अब इसको थोड़ी देर में बनने के लिए रख दूँगी सब्जी को। अभी कम से कम 15-20 मिनट रखनी चाहिए सब्जी। देखो ये इस तरीके से देखो फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जी 15-20 मिनट खदक चुकी है और अभी ये हो गई है। अभी देखो तरी भी कितनी अच्छी आ रही है। आप ऐसे कलछी से देख लो तो पकौड़ियाँ आराम से फूट रही है इसमें, तो इसका मतलब हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, हरी धनिया की पत्तियाँ डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। ये मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको मैं इस तरीके से मिक्स कर दूँगी और ये हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं जिससे कि मैं आप तक और वीडियो अपनी भेज सकूं। थैंक यू।